डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जिस अंदाज से इस वक्त सैलाब की सूरत हाल नजर आ रही है, उसकी साथ बहुत से मनाजर इस वक्त देखे जा रहे हैं जो कि दिल खराज हुई हैं। इन मनाजर में अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सैलाबी पानी की जो मनाजर देखे जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा वाजे नजर आ रहा है कि बहुत सी जगहों पर आज तक सैलाब से आने वाला जो पानी है वो अभी तक उतरा नहीं है। इनफैक्ट आज भी बहुत से ऐसे मकाम आते हैं जहां पे लोग अपने प्यारों को दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान रीजन की, तो वहां पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई और ये कहा जा सकता है कि हमने गुज़श्ता 10-15-20 सालों में जो कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बलूचिस्तान के सूबे में की वो काफी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा और ना जाने इसको फिर से तामीर करने में कितना वक्त दरकार होगा। सैलाबी पानी इस वक्त भी बहुत से इलाकों में मौजूद है और बहुत से इलाकों में आज भी जो सैलाब का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है उसमें ना सिर्फ पानी है बल्कि इंसान और जानवरों की लाशें भी नजर आती हैं। सूरत हाल काफी खतरनाक भी है, अलमनाक भी है। सवाल से क्या कुछ हो रहा है, रेस्क्यू का काम क्या हो रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, मैं मेरे साथ ज्वाइन करें जनाब अकबर अजीज शेख साहब, इनसे जरा जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कुछ काफी होगा या ना काफी है। अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अकबर साहब, बहुत ही दुख का लम्हा है पूरी कौम के लिए, पूरी कौम परेशान है, अफसरदा है कि बलूचिस्तान सिंध पंजाब केपी के पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा रह गया है जहां पे सैलाब से तबाहकारियां ना हुई हो, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध की बात करें तो खास तौर पर बहुत ज्यादा तबाही नजर आ रही है। जी, इसमें ये है कि बलूचिस्तान के अंदर तो खैर बहुत से अजला मुतासर हुए हैं, लेकिन मैं खासतौर पर जिला लखबेला की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट लखबेला, उसमें बहुत से मकानात गिर गए हैं, रोड और रास्ता सड़कें भी बह गई हैं और लोगों के माल मवेशी भी बह गए और जो कच्चे मकानात थे वो भी गिर चुके हैं। लोग शेल्टर के लिए आसमान तले बैठे हुए हैं, बहुत इमदाद के मुंतजर हैं, हुकूमती इमदाद के भी मुंतजर हैं और आपके जो एनजीओज वगैरह हैं उनकी इमदाद की भी मुंतजर है। हमने अपनी जिंदगी में इतनी तबाही कभी भी नहीं देखी। ये तारीख में सबसे बड़ा जो आपका सैलाब था, ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है जो बलूचिस्तान में और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट लखबेला में आया हुआ है। जी अकबर साहब, आप फरमा रहे हैं कि बहुत से मकान टूट गए, जमीन बोस हो गए, आज अगर मैं ये पूछूं कि बलूचिस्तान की आबादी का कितने फीसद हिस्सा इस सैलाब से मुतासर है तो आप कुछ तखमीना दे सकेंगे? तकरीबन मैं तो कहता हूं कि अगर 2.25 करोड़ की आबादी है उसमें से 1 करोड़ लोग जो है मुतासर हुए हैं। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनके माल मवेशी बह गए, जिनके घर इस सैलाब की नजर हो गए? ये भी तकरीबन कोई 70-80 लाख के करीब लोग हैं जिनके, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जो मकान आते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। जी, तो वो मिट्टी के मकान तकरीबन लोगों के 75% घर जो है वो गिर चुके हैं और मवेशी जो हैं वो इनके पानी में बह गए हैं। क्योंकि लखबेला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से नदी नाले हैं, पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ों से जो पानी आया है और तहसील बेला जो है जी। तहसील बेला है और तहसील उत्थल वो सबसे ज्यादा, और तहसील लाखड़ा वो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। उनमें आपके अक्सर जो है मकान गिर चुके हैं, मवेशी बह गए हैं, क्योंकि अब वो जो रास्ता सड़कें हैं वो भी टूट चुकी हैं तो उन तक रसाई के लिए भी काफी दुश्वारी का सामना है लोगों को। और अकबर साहब, अगर मैं कराची से या मुल्क के दीगर हिस्सों से जो लोग राशन जमा कर रहे हैं, जो चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, वो अक्सर इस बात का शिकायत कर रहे हैं कि वो पहुंचाना चाहते हैं लेकिन जमीनी रास्ते बहुत सी जगहों पर मौजूद नहीं है, तो लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है। जो सफर चंद घंटों का हुआ करता था उसमें अब बहुत ज्यादा वक्फा आ गया है, वो बहुत तवील हो गया, मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया। आपके वहां पर अगर मैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पूछूं कि जो ट्रैवलिंग के लिए जो कुछ जराए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो क्या मुमकिन है उसमें? असल में जो कराची में जो एनजीओज हैं उनके लिए ये है कि अगर वो लखबेला में जो लोकल पीबीओज हैं, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं बनी हुई हैं इलाकाई हवाले से, उनसे अगर मदद लें, उनकी हेल्प मतलब उनके साथ मिलके अगर जाएं तो वो पहुंच सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि कुछ ऐसे रस्ते हैं जो बाहर की जो एनजीओज हैं उनको पता नहीं है, लेकिन लोकल जो सीबीओज हैं
उनको पता है, जिसमें एक आपकी समाजी तंजीम कार्ड के नाम से जो लसबेला में भी काम कर रही है और बलूचिस्तान में भी काम कर रही है, तो उन्होंने अतुल इम्कान कोशिश की है कि इन इलाकों तक पहुंचा जाए। लेकिन आप अगर कार्ड जैसी तंजीमों की अगर मावनत लेंगे तो हो सकता है कोई एनजीओ कुछ पहुंच जाए इलाकों तक। तो अकबर साहब आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो लोकल एनजीओ हैं जो वहां के हालात से वाकिफ है, वहां के खदकाल से वाकिफ है, उनके साथ अलायंस करके रابطہ करके फिर उन इलाकों में जाया जाए ताकि इमदाद सही जगह पे सही तरीके से पहुंचाई जा सके। जी जी बिल्कुल। तो अकबर साहब अगर मैं एक और बात भी जानना चाहूंगा, इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या टेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, खाने पीने की अशिया की जरूरत है या अद्वियात की जरूरत है? सबसे पहले तो खुराक की जरूरत है, उसके बाद जो है वो अद्वियात की जरूरत है, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत सी बीमारियां भी फूट पड़ी हैं, जिनमें मलेरिया वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जो दाने निकलते हैं जिस्म पर, वो भी बीमारियां फैल गई हैं। तो अद्वियात और खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो बारिश फिर थम गई है, खेमों की भी है ज़रूरत, लेकिन सबसे पहले जो है वो खुराक और अद्वियात की जरूरत है। और अकबर साहब यहाँ पे इस वक्त आर्मी की जान से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम जारी है, क्या आज इस वक्त तक भी कोई ऐसे अफराद हैं जो पानी की बाईस फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, या ऐसे मकामात पे मौजूद है जहां पे उनकी जिंदगियों के जिंदगियां खतरे में हों? नहीं, आर्मी ने, हमारी पाक आर्मी ने बहुत अच्छा इकदाम किया, और खासतौर पर जिला लसबेला के अंदर बहुत से लोग जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू भी किया है। तो ये कोई रेस्क्यू करने वाला वो अभी तो खैर पानी नहीं है इतना कि इनको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ऊपर वाली जो जगह है उधर तक आर्मी ने इनको पहुंचा दिया है अपने बोट्स के जरिए। कुछ जगह पे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी, उस हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को पहुंचाया गया, तो काफी हेल्प पाकिस्तान आर्मी की वजह से तो बहुत से लोगों की जानें भी बच गई थी। और पानी की सतह के बारे में बताए ना अकबर साहब, क्योंकि सवाल लोग पूछ रहे हैं कि इस वक्त पानी की जो सतह है, जो पानी दाखिल हुआ था उन इलाकों में, क्या वो पानी की सतह निचले लेवल तक आई है? कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी पहले मौजूद ना हो, फिर पानी आया और अब वापस से वहां पे मामलात कदरे बेहतर हुए हो? मतलब जो आपके तहसील लाखड़ा है, जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा है, वहां पे तो काफी पानी अभी तक भी ठहरा हुआ है, क्योंकि ये तहसील एक तो एंड में लगती है जिले के, फिर पूरे जिले लसबेला का पानी आके इसी तहसील में जमा होता है। सही। तो उधर सूरत हाल थोड़ी सी कंडीशनल अनकंडीशनल है, ये आपके तहसील लाखड़ा के अंदर। और आपने तस्करा के अकबर साहब के वहां पे मलेरिया का के भी बड़े सारे केसेस हैं, लोगों को मुख्तलिफ जो जल्दी अमराज है उसका भी सामना करना पड़ रहा है, और डेंगू के भी केसेस होने का खतरा है, क्योंकि वहां पानी खड़ा है, मीठा पानी है, उसमें डेंगू के जो मच्छर है वो भी पैदा हो सकते हैं, तो इस हवाले से भी मुश्किलात का शिकार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो बीमार जो है अगर किसी के खुदा ना खास्ता उधर डेथ हो जाए, हाँ, तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उस ना आप मरीज को हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो, ना किसी मुर्दे को आप कब्रिस्तान तक ले जा सकते हो, क्योंकि कब्रिस्तान भी ढह गए, भर गए, वो भी पानी से भरे हुए। जी, जिधर भी कोई अगर कब्र वगैरह का काम शुरू किया जाता है नीचे से पानी निकल आता है, तो बड़ी दुश्वारी है। और आपने कहा कम्युनिकेशन वहां पे इस वक्त मौजूद नहीं है, इस वक्त जो लोग वहां पे उन इलाकों में जाना चाहते हैं, हम आपसे राबता कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के किस हिस्से में इस वक्त मोबाइल नेटवर्क्स दस्तियाब हैं, और कौन सा हिस्सा बलूचिस्तान का है, कितना हिस्सा ऐसा है जहां पे इस वक्त भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है या बिजली का निजाम दरम भरम है? तकरीबन 50% जो एरिया है बलूचिस्तान का उसमें तो कम अज कम नेटवर्क भी मुतासर है, और बिजली का भी निजाम, जो पोल गिर गए बिजली भी नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लसबेला ऐसा है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है और बिजली भी बहाल पहले मरले में यहाँ की गई है। तो अंदरून बलूचिस्तान के अंदर तक बिजली तकरीबन कोई 10-15 दिनों से बिजली भी न होने के बराबर। और अकबर साहब अगर मैं इस वक्त राशन की सूरत हाल के बारे में जानना चाहूं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से राशन इकट्ठा करके उस तरफ पहुंचाया तो जा रहा है, लेकिन क्या वो सही मुकाम पे पहुंच रहा है? क्योंकि आमतौर पर शिकायत आ रही है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं या जो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स के जो इलाके हैं जो दूसरे सूबों से कनेक्ट होते हैं, वहां तो राशन पहुंच रहा है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में राशन या दीगर सामान की तरसील नहीं हो पा रही, ये जरा इसको बताया ना, ये कौन से इलाके ऐसे हैं जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है या वहां पे जाना इस वक्त सबसे ज्यादा दुश्वारी का बाइस है?
ये अंदर कोई तहसील है आपके खुशदार की, सब तहसीलें आड़म जी के नाम से, तो वो सबसे ज्यादा एक तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का निज़ाम बिल्कुल गरम भरम हो चुका है, और ये इलाका थोड़ा शहर से अंदर लगता है तो वहाँ पे काफी दुश्वारी है इमदादी सामान पहुँचाने की। ठीक हो गया अकबर साहब, आपके आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने बड़ी जबरदस्त हमें रहनुमाई की, पूरी कौम के लिए अलमनाक सूरत हाल है। ये एक ऐसा मामला है, कैसे ऐसा वक्त है कि पूरी कौम को एकजुट होके, एक साथ खड़े होके, पूरी कौम को इस वक्त तमाम तफरुकात से बाहर होके इन लोगों के लिए इमदाद करनी होगी, इन लोगों के लिए जो सूरत हाल उसको बेहतर बनाना होगा, इन्हें अपनी जिंदगियों को मामूल पर लाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। और ये बात याद रहे कि ये जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है ये नागानी है, इसके हवाले से ये ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को सोचने की जरूरत है, बल्कि पूरी आलमी दुनिया की इसके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पाकिस्तान अकेला इसमें शरीक नहीं है, पूरी दुनिया, दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें, तरक्की याफ्ता ममालिक तमाम इसमें बराबर के शरीक हैं। और ये जो इस वक्त हम आलमी सतह पे जो तब्दीलियां देख रहे हैं, जिसके असरात हमें नजर आ रहे हैं, यकीनी तौर पे इसका असर है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने वक्त दिया, आपने अपने बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जो बात बताई, जो हमें सूरत हाल से आगाह किया, ये बड़ा जरूरी है कि लोगों को सही तस्वीर पहुंचे। और ये बात मैं दोहराता चलूं कि आप जो इमदादी सामान इकट्ठा कर रहे हैं उसको एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचाएं वहां पे, जहां पे ये सही डायरेक्शन में पहुंचे, सही क्वांटिटी में और सही जगह पे पहुंचे। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ एनजीओस एक ही इलाके में जाके वहां सामान जाके डंप कर जाती हैं, वहां के लोगों को मिल जाता है, लेकिन आगे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे पहुंचना दुश्वार है, उसके लिए पाक आर्मी की जरूरत पड़ती है या आपको दीगर वसाइल की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, वहां की लोकल एनजीओ की जरूरत पड़ती है, तो आपको उनके साथ मिलकर फिर वहां तक पहुंचना होगा। खुदा करे कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतर रहे। एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये वीडियो यकीनी तौर पर बहुत दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कैसे अपने प्यारों को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक वहां पे दफनाने के लिए जगह मौजूद नहीं। अकबर साहब ने बात दोहराई भी थी कि जो सैलाब का पानी है वो अभी तक कब्रिस्तानों में मौजूद है, वहां पे जगहें मौजूद नहीं है कि लोगों को दफनाया जा सके। तो ये वीडियो है, ये मनाजर आप देखें, ये जीता जागता सबूत है, और ये मैं चाहूंगा कि आलमी दुनिया में भी देखा जाए कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानी कौम का नसीब नहीं था, पाकिस्तानी कौम का हक नहीं था, ये पूरी दुनिया में होने वाले जो हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जो हमने किस अंदाज से दुनिया का दर्जा हरारत में एक बड़ा इजाफा किया, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, और हम सबको आज एज अ ह्यूमन जब कहते हैं ह्यूमैनिटी, तो हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना होगा। ये मनासर देखें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हिमल ताणी तांगे का इंतजामिया या एम्बुलेंस वगैरह तांगे का का शे भी न मिली कराए था पोन्या था का शे ना एक कलाक गुजर गया एक कलाक खींचो तो जवाब था लाश पाण ता कडवा मैं पाण कडवा शेखा बाबू सा गड शेख सी पर गडो एकडो बियो अजीम शेखो ए डूटी तो लथल है वरी भी इनके शाबास इंसान ने नांदर मान के सरकियो मा लाश एक रुपया टांकी ते हलो तो वो कड़ी क्यों पानी हो सीने तई असा पानी अचे पो तभी असा लाश ना के दिल में कावत ले बसा रेड़ो दिसो ते रेड़े ते कड़ी करे वारिस आया था से ए सालो तो असा गजी करे रेड़े ते दिखरा आगे वजी रहा हूं तो मन का एम्बुलेंस जा ट्रैक्टर मिले टाउन इंतजामिया तरफा ट्रैक्टर वने पे ट्राली असा चे लाश खड़ाए हलो रुगो असा का ते छर्रा महफूज आ ते जा एम्बुलेंस असा के वटी जो टाउन इंतजामियारन जी मन मस्ती तो उन्हें असा के ठिप जवाब दे छियो न ही असा के बिठन न ही मना होती एक मुंह डिठन जा असा के का तो ने 4 कलाक गुजरियान का भी इंतजामिया कोनो आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।